हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू सेशन ऑफ दिस ऑटोकैड 2D ड्राइंग। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ये ड्राइंग को बनाना। आई होप गाइस, अगर आप लोग इस ड्राइंग को बना लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं, ड्राइंग को रीड अच्छे से कर लेते हैं, तो आई गारंटी कि आप इजीली 2D ड्राइंग को बना सकते हैं और आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग इसको अच्छे से बना लेते हैं तो। ओनली यू नीड प्रैक्टिस, ओके। तो हम लोग इस ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अपने राइट हैंड साइड से, जो कि ये बड़ा वाला सर्कल है। उसके बाद अंदर वाला सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह का डायमीटर हम लोग को गिवन है, 130, 80 एंड 46। तो हम लोग सबसे पहले इन तीनों का जो डायमीटर है इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये 3 सर्कल को हम लोग इस डायमीटर का क्रिएट कर लेते हैं, 130, 80, 46। ऑटोकैड में चले जाना है आपको। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। आपको टाइप करना है C फॉर सर्कल, प्रेस करना है इंटर। आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करके आपको यहाँ से सर्कल बना लेना है। आप डायमीटर के लिए टाइप कीजिए D, प्रेस करिए इंटर, या फिर सिंपल आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है डायमीटर का, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये सर्कल डायमीटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। 130 इंटर, राइट क्लिक ऑफ योर माउस बटन एंड जस्ट गो टू द रिपीट सर्कल, द सर्कल कमांड विल बी रिपीटेड। फिर डायमीटर, दिस टाइम 80, प्रेस इंटर, अगेन राइट क्लिक ऑफ योर माउस बटन, रिपीट सर्कल, दिस सेंटर पॉइंट एंड दिस टाइम डायमीटर 46, प्रेस इंटर। ये 3 सर्कल्स हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको, जो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे लाइन क्रिएट है, हम लोग इसको पहले बनाएंगे। तो कहाँ तक बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि 80 डायमीटर वाला जो सर्कल है, हम लोग इसको यहाँ तक जो है इसका डिस्टेंस रखेंगे, और फिर इसका जो विड्थ रहेगा वो डिस्टेंस 6 है। तो हम लोग एक लाइन लेंगे इस सर्कल के क्वाड्रेंट से इस सर्कल के क्वाड्रेंट तक। उसके बाद हम लोग ऑफसेट करेंगे इधर 3, इधर 3, क्योंकि टोटल 6 है। तो सेंटर से 3 ऊपर, 3 नीचे, और फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। ऑटोकैड, आप लाइन ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद आपको इस सर्कल के क्वाड्रेंट से इस सर्कल के क्वाड्रेंट पे आपको कनेक्ट कर देना है इस लाइन को, देन स्किप की, देन यूज़ ऑफसेट कमांड, प्रेस इंटर, डिस्टेंस आपको डालना है 3, इंटर। तो ये सेंटर से अपवर्ड 3 और डाउनवर्ड 3, टोटल 6 का डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग ये बीच का लाइन को डिलीट कर देंगे, इतना हो गया। तो गाइस, आप देख सकते हैं जब आप इसको जूम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर निकल रहा है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन के लिए हम लोग ट्रिम करते हैं, सो TR, डबल इंटर। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, ऑल राइट। उसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ से ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो लाइन है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे इस सर्कल से कनेक्ट नहीं है। तो आप उसके लिए टाइप करेंगे EX और डबल इंटर, एक्सटेंड कमांड आपका एक्टिव होगा। आप जैसे इस लाइन पर टच करेंगे ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, देन स्किप की। अब हम लोग ट्रिम कर देंगे, सो TR,
डबल इंटर, सॉरी टी आर डबल इंटर, आपको इस सर्कल को रिमूव कर लेना है यहाँ से, ऑल राइट। उसके बाद इस तरह का हम लोग को यहाँ पे 7 आइटम्स चाहिए, तो हम लोग इसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पोलर एरे। तो आप यहाँ पे ऑटोकैड पे चले जाइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए ए आर, इंटर कीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल, प्रेस इंटर, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पोलर का, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सर्कल को दे दीजिए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 आइटम्स में ये एरे होता है, लेकिन आप यहाँ से चेंज कर लीजिए क्योंकि ड्राइंग में रिक्वायरमेंट 7 की है। सो 7, प्रेस इंटर, देन क्लोज एरे। इतना गाइस हम लोग का बन चुका है। सो हम लोग ट्रिम करेंगे कुछ पोर्शन को, सो टी आर डबल इंटर, हम लोग इन सब को ट्रिम कर देंगे यहाँ से, एक्स्ट्रा पार्ट विच इज़ नो लॉन्गर इन द ड्राइंग। सो ऑल राइट, ओके, राइट हैंड साइड का इधर का काम हो गया। अब हम लोग चलेंगे इस तरफ और ये सर्कल्स को हम लोग क्रिएट करेंगे, एक सर्कल और दो सर्कल आप यहाँ पे देख सकते हैं। येलो कलर से ये हिडन लाइन में कन्वर्ट है, तो दो सर्कल और फिर ये छोटा वाला 3 सर्कल फिर हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से इस तरफ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है 78, 37, 43। तो इन सब को अगर ऐड कर दे 78 प्लस 37 प्लस 43, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 158। तो हम लोग यहाँ से ट्रैक करेंगे एट द डिस्टेंस ऑफ 158, उसके बाद यहाँ से हम लोग अपवर्ड जाएंगे 18, क्योंकि देखिए यहाँ से 18 पे ये सर्कल का हमें सेंटर मिलेगा, तो वहीं से हम लोग इस सर्कल्स को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ट्रैक करेंगे, देन वी विल गो अपवर्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 18। लाइन ले लीजिए आप यहाँ से सिंपल ट्रैक कर लीजिए। अगर आपका ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो एक्टिव नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप जा करके अपने शोविंग स्नैपिंग रेफरेंस लाइन को ऑन कर लीजिए, तो आपको ट्रैकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ट्रैकिंग जो है एक्टिव हो जाएगा। तो वही हम लोग का ट्रैकिंग पॉइंट है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 158 का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में, प्रेस इंटर। उसके बाद अपवर्ड हम लोग मूव होंगे 18, प्रेस इंटर, देन स्किप की, तो हम लोग को सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल चुका है। हम लोग 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, डायमीटर 52, 34 और 16। सी फॉर सर्कल, डायमीटर के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सिंपल वैल्यू डाल दीजिए, कितना था, सॉरी आई हैव टू चेक वंस, 52, 34, 16। और 16 डायमीटर, 16, प्रेस इंटर एंड डिलीट दिस लाइन। देखिए इतना गाइस हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इस सर्कल को, जो छोटा वाला सर्कल है, हम लोग इसको बनाएंगे, उसके बाद इसको एरे कर देंगे, पोलर एरे। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे, देखिए हमें इसका, ठीक है, लोकेशन पता है कि ये कहाँ पे बना है, तो ये सर्कल जो डॉटेड से
आपको शो हो रहा है हिडन लाइन से, येलो वाला सर्कल, आप गौर से देखिए, ठीक उसके मिड पॉइंट पे यह सर्कल बना है, लेकिन कितने एंगल पे बना है एक्चुअली मुझसे मिस हो गया, वो 45 डिग्री पे बना है तो मुझसे मिस हो गया, सो मैंने यहाँ पे डायमेंशन उसका नहीं करा तो मुझसे मिस हुआ है, तो यहाँ पे 45 डिग्री पे ये सर्कल बना है। तो आप सिंपल ऑटो कैड पे चले जाइए और आप यहाँ से लाइन ले लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर्सर पे जाइए और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल सेट कर लीजिए और इसको ऑन कर लीजिए। ऑल राइट, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको 45 डिग्री पे ले जाएगा, ये लाइन आपका सेट हो जाएगा। ऑल राइट, सेट हो गया। अब हम लोग सर्कल क्रिएट करेंगे डायमीटर 8 का, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला है वही हम लोग का सर्कल क्रिएशन होगा वहाँ से। तो सी इंटर और इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग यहाँ पे लेंगे डायमीटर के लिए, यहाँ पे क्लिक डायमीटर पे, देन प्रेस 8 इंटर। ऑल राइट, डिलीट दिस लाइन। उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ से पोलर एरे, सो ए आर एरे कमांड के लिए टाइप इंटर, उसके बाद सेलेक्ट दिस सर्कल, प्रेस इंटर, गो टू द पोलर ऑप्शन, सेंटर पॉइंट पूछेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो 6 आइटम्स पे होता है ये एरे, लेकिन ड्राइंग में 4 है रिक्वायरमेंट, तो 4 इंटर। ऑल राइट, देन क्लोज एरे। इस लाइन को हम लोग हिडन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता हिडन लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट में लेक्चर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो कोई भी कलर मैं दे देता हूँ, मजेंटा। इतना गाइस हम लोग का बन चुका है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पे जो इस तरह का कर्व आ रहा है, बड़ा वाला कर्व, इस सर्कल के टेंजेंट पॉइंट से पास होकर के इस सर्कल के टेंजेंट से ये कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेंट एंड रेडियस। हम लोग बहुत से लेक्चर्स में देखे हैं, तो हम लोग बना लेते हैं। रेडियस यहाँ पे गिवन है 180। ऑटो कैड में चले जाइए, सर्कल के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है आपको, टेंट एंड रेडियस सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेकेंड यहाँ पे, और सिंपल वैल्यू डालना है रेडियस का 180, प्रेस इंटर, हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो ठीक बना, और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट्स हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। सो फॉर दैट TR डबल इंटर, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है लाइन पे, ये ट्रिम हो जाएगा। ऑल राइट, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस कर्व को कैसे बनाएंगे। तो ये कर्व ठीक इसी के पैरेलल है, आप देख सकते हैं 20 का डिस्टेंस पे, तो हम लोग इसको ऑफसेट कर लेंगे यहाँ 20 का डिस्टेंस पे। ऑफसेट के लिए ओ इंटर, डिस्टेंस 20 इंटर, सेलेक्ट दिस लाइन एंड मूव इनसाइड। ऑल राइट, इतना हो गया। अब हम लोग इस लाइन को यहाँ पे देखिए, इस तरह का जो है कर्व आ रहा है, ये फिलेट किया हुआ है, तो रेडियस 10 का हम लोग यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे और इधर रेडियस 12 का। इफ फिलेट के लिए इंटर, रेडियस में आपको जाना है और आपको टाइप करना है 10 इंटर। फर्स्ट क्लिक आपको इस कर्व वाले लाइन पे करना है, सेकेंड इस सर्कल पे, इस तरह का कर्व आपको मिल जाएगा। देन अगेन टाइप F फॉर फिलेट, प्रेस इंटर, फिर आपको रेडियस में जाना है एंड दिस टाइम यू हैव टू गिव द वैल्यू 12 इंटर। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक। ऑल राइट, बाकी एक्स्ट्रा पोजिशन को ट्रिम करेंगे, सो TR डबल इंटर, ट्रिम, बाकी इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। देखिए इतना बन चुका है गाइस हम लोग का। अब बस बचा हुआ है हम लोग का ये पोर्शन और ये पोर्शन, फिर ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको रियली ऑटो कैड सीखना है
तो प्लीज़ शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करने की और पॉइंट्स को समझने की, तो इसीलिए आप ज़रा भी स्किप ना करें मेरे वीडियो को। तो अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ सेंटर से एक लाइन ले लेंगे, सिंपल सेंटर से एक लाइन ले लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं बताऊँगा क्यों लिए। तो लाइन ले लीजिए और सिंपल यहाँ से एक लाइन ले लीजिए एट रैंडम, ठीक है। कोई डिस्टेंस नहीं, बस अपने हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 18 है, ठीक इसी सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से नीचे 18 है। तो हम लोग यहाँ से 18 ट्रैक कर लेंगे और इस तरफ हम लोग लाइन ले लेंगे, ठीक है। इस तरफ हम लोग लाइन ले लेंगे, तो आप 18 का लाइन ले लीजिए, मीन्स ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से 18 पे हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं, 18 प्रेस इंटर, ठीक है। आप यहाँ से एट रैंडम लाइन ले लीजिए, फिर आप यहाँ से लाइन लीजिए। आपको यहाँ पे थोड़ा देर कर्सर को होल्ड रखना है, नीचे ट्रैक कीजिए, अपने कर्सर को हटा लीजिए और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा देर रखना है क्वाड्रेंट पे, और फिर आपको इस यहाँ पे ट्रैक करना है। देखिए दोनों यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, दोनों तरफ से ट्रैकिंग हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और ठीक आप यहाँ पे इसको अटैच कर लीजिए, फिर यहाँ से लाइन लीजिए और यहाँ पे आप इसको अटैच कर लीजिए, ऑल राइट। देन स्केप की, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस मिल रहा है यहाँ से 43, फिर 37 और यहाँ से 78। तो हम लोग यहाँ से ऑफसेट कर लेंगे पहले 43, जो कि हमें ये जो है इसका मिल जाएगा हमें पॉइंट, फिर यहाँ से 37, तो 43 37, ऑफसेट 43 यहाँ से राइट साइड पे, देन स्किप की, फिर ओ ऑफसेट इंटर एंड दिस टाइम 37 इंटर और यहाँ से इस तरफ, ऑल राइट। इतना हो गया गाइस, ठीक है, इतना हो गया। अब ठीक हम लोग ये लाइन को 37 वाला लाइन को 37 वाले लाइन को 43 वाले लाइन से जोड़ देंगे। यहाँ से लाइन लेंगे, इस लाइन से हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, देन स्किप की, ऑल राइट। देन इसको डिलीट, देन TR डबल इंटर, इसको हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम, ऑल राइट। इतना हो गया, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ जो है कर्व वगैरह यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 12 का कर्व है, तो हम लोग इसको टेंट एंड रेडियस से बनाएंगे 12 का। तो आप चले जाइए ऑटो कैड पे, टेंट एंड रेडियस ले लीजिए, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे कीजिए लाइन पे, सेकंड इस सर्कल पे और वैल्यू डाल दीजिए 12 इंटर, ठीक है। सो ट्रिम TR डबल इंटर, इसको ट्रिम कर लीजिए, इस लाइन को ट्रिम कर लीजिए, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, इस कर्व को, अब देख सकते हैं रेडियस 12 का, फिर इस कर्व को बनाएंगे हम लोग रेडियस 20 का, सो 12 और 20, फिलेट के लिए एफ इंटर, रेडियस 12 इंटर, यहाँ पे क्लिक, फिर TR डबल इंटर, इसको ट्रिम, स्केप की, फिर फिलेट के लिए एफ इंटर, रेडियस में जाना है आपको, उसके बाद वैल्यू डालना है 20, प्रेस इंटर,
यहाँ क्लिक नॉट रिम टी आर डबल इंटर। देखिए ऐसे में क्या है ना, आपका फिलेट और ट्रिम ये सबका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, इधर का बन चुका है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इस तरफ का। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन ऐसा है टेपर, ये ठीक पैरेलल है इस टेपर लाइन से। ठीक है, तो हम लोग इसको 20 का ऑफसेट इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा। हम लोग लेंगे ऑफसेट ओ, इंटर डिस्टेंस के लिए 20, इंटर आपको इसको सिलेक्ट करना है और उस तरफ आपको मूव कर देना है। ठीक है, देन इस लाइन को हम लोग इस लाइन में टच कराएंगे। सो टाइप करिए ई एक्स डबल इंटर एक्सटेंड कमांड, एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे ये इस लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टी आर इंटर इंटर, हम लोग को डिस्टेंस मिल गया इसका। ठीक है, इसको डिलीट। आप यहाँ से लाइन ले लीजिए इस तरफ, हाँ इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग ठीक यहाँ पे भी वैसे ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टेंट एंड रेडियस से बनाएंगे, रेडियस 5 का टेंट एंड रेडियस। यहाँ पे क्लिक, इस सर्कल पे क्लिक और 5 वैल्यू, प्रेस इंटर। नाउ ट्रिम टी आर डबल इंटर, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम। फिर हम लोग टाइप करेंगे एफ इंटर, रेडियस में जाएंगे, उसके बाद वैल्यू डालेंगे 14, प्रेस इंटर। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक। नाउ टी आर डबल इंटर, इसको ट्रिम। उसके बाद यहाँ पे रेडियस 8 का फिलेट किया हुआ है और फिर यहाँ पे ऐसा 5 का कर्व है। फिर आपको फिलेट के लिए एफ टाइप करना है, एफ इंटर रेडियस 8 इंटर। यहाँ क्लिक, फिर आपको ट्रिम लेना है टी आर डबल इंटर, इसको ट्रिम कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग को इस तरह का कर्व चाहिए तो आप ले लीजिए टेंट एंड रेडियस। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे सर्कल पे क्लिक, टाइप 5 इंटर, ट्रिम टी आर डबल इंटर, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम। और फाइनली इस लाइन को डिलीट। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ड्राइंग है गाइस वो बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो गाइस होप कि आप लोग स्किप नहीं किए हो। अगर आपको सच्ची में मतलब दिल से ऑटोकैड सीखना है तो प्लीज़ स्किप मत कर लिए, मत कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हेयर।